हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्लम्बिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने टंकी किस तरीके से कनेक्ट की है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये जो दीवार के ऊपर लाइन आ रही है 1 इंची, ये मोटर की लाइन है और इसी से वाटर बॉक्स का भी पानी आएगा एक ही लाइन से। तो आप देख सकते हैं अभी टंकी भर रही है इसी लाइन से। तो आप देख सकते हैं इसका ये कनेक्शन है, एक लाइन ये जा रही है और जो आप ये पाइप देख सकते हैं 1 इंच ऊपर खड़ा हुआ पाइप, ये एयर पाइप है। ये टी लगा रखी है लाइन में और नीचे वाल लगा हुआ है। आप वाल देख सकते हैं नीचे लगा हुआ और ये एयर पाइप खड़ा हुआ है। वहीं बीच में आप देख सकते हैं ये कनेक्ट किया गया है, तो इस टंकी का पानी इस टंकी में भर जाता है। ये दोनों एक ही साथ में टंकी भरती है और एक ही साथ में खाली होती हैं। तो ये बीच में एक यूनियन भी दे रखी है ताकि हम इसे कभी भी खोल सकते हैं और अलग कर सकते हैं। और एक यूनियन आप देख सकते हैं हमने यहाँ भी दे रखी है, तो इस यूनियन को भी कभी भी खोल सकते हैं। और ये टंकी भी भर रही है, आपको दिखा दूँ मैं। तो एक लाइन हमारी कुछ इधर जा रही है नीचे की तरफ, इसमें भी आप देख सकते हैं एयर पाइप लगा हुआ है और एक ये टैंक निपल यूनियन लगा रखी है हमने। यहाँ पे ये कनेक्शन हो रखा है टंकी का। तो ये हमारा भी वाल लगा हुआ है जो अभी बंद कर रखा है हमने, नीचे प्लग लगाना बाकी है अभी, इसीलिए ये बंद कर रखे हैं। एक ये वाल है हमारा, देख सकते हैं हम जोलोटो कंपनी का वाल लगा रखे हैं। और आपको लाइन और दिखा देता हूं मैं, ये लाइनें जा रही हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कैसी लगी। और मेरे चैनल पे और बहुत सारी भी वीडियो प्लम्बिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं प्लम्बिंग की। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।